स्थिति किस तरह से माहौल बना हुआ है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी अगर देखें तो 275 सीटें जीत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है रजनीश? आपके फेवर में होता है तो कार्यकर्ताओं का जोश है, योगी आदित्यनाथ के हाथ में तस्वीर होती है और लोगों की नारेबाजी होती है, जो बखूबी लोग यहाँ पे नारेबाजी कर भी रहे हैं। शारिफ नाम मेरा है। शारिफ जी, देखिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करते, हालांकि नेताओं का जरूर दावा होता है कि सबका साथ सबका विश्वास। हमारे साथ शारिफ पंसारी जी है, कहाँ से आए हैं? मैं राय से हूँ। पूरा भगवा के रंग में आप हो गए? मैं भगवा पूरा प्रदेश हवा हो गया है, पूरा प्रदेश हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल सिंह परमार है। परमार साहब, मैं लखनऊ से हूँ और मैंने चुनाव के दौरान 3 जिलों में काम किया, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, बलिया। तो मैंने जो देखा कि गरीब तबका का जो उत्साह है, योगी जी के प्रति स्नेह है, उस स्नेह पर ये जनमत आ रहा है और 300 पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं। थैंक यू परमार जी। आप देखिए, ये भीड़ है, ये लोगों की भीड़ है, ये लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे हैं और जैसे जैसे आंकड़ा करीब जाता चलता गया। देखिए, संयोग से एक और भाई साहब मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन, गोरखपुर से। अरे ठीक है जी रजनीश, और ये तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में जश्न का माहौल है और लोग जो है वो काफी खुश हैं। और इसी बीच हमारे साथ भोपाल से ब्रिजेश भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, एक बड़ी उम्मीदों के साथ और एक आशा के साथ बीजेपी जो है जीत की ओर नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? को रही है उनकी शिकायत, उनको मुबारक हो। ये सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की थी और आगे भी रहेगी। आगे भी रहेगी। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, क्या लग रहा है, संख्या जैसे जैसे आ रही है? योगी जी हम लोग के दिल में है, मोदी जी हम लोग के दिल में है, विकास देखते हुए सब लोग वोट देते हैं। क्या नाम है आपका? असरार अहमद है। निपट गए अखिलेश, बचा कुछ नहीं है शेष, आज फिर संभालेंगे बाबा उत्तर प्रदेश। बाबा कार्यकर्ता है, उनके साथ स्लोगन भी है और स्लोगन आपने सुना ही कि निपट गए अखिलेश, उत्तर प्रदेश संभालेंगे बाबा। तो ये कहीं ना कहीं ये लोगों का जोश जुनून बना हुआ है। देखिए, एक जिम्मेदारी भी थी, अंकुश जी आंकड़ा छूने के करीब है, हालांकि एग्जिट पोल पे लगातार जो लीडर अपोजिशन है सवाल खड़े करते रहे हैं। देखिए क्या है कि मोदी जी की जो विकास की योजनाएं थी उनको उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही कुशलता के साथ पारदर्शी तरीके से लागू किया था, जिसका असर रहा। और कानून व्यवस्था के नाम पर उन्होंने जो काम किया है उसका असर रहा कि हम 300 के करीब पहुंचे। 300 के करीब, क्या है माहौल तो दिखाई दे रहा है? माहौल आप लोग के बिल्कुल सामने है। जिस तरीके की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, हमेशा से ही सरकार एक अग्रणी सोच लेके चली कि किस तरीके से समाज को दिशा देनी है, दशा देनी है, उसी का नतीजा है कि हम 300 के आसपास पहुंच रहे हैं। ये नजारा है, संख्या और भी बढ़ती जाएगी। कुछ लोग जो जैसे जैसे उनके कैंडिडेटों का तस्वीर साफ होता जाएगा वो लोग यहाँ, उनकी भीड़ आएगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वो पूरी तरीके से भागवा में सारोबार हो चुका है। महिला ब्रिगेड भी यहाँ पे आई हुई है। जी